प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाड़ी से बाहर निकलकर फोटो शूट करवा रहे हैं, मानो सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए कोई रील बना रहे हैं। राहुल गांधी बारिश में भीग कर भाषण देने का वीडियो बनवा रहे हैं, मानो साउथ की किसी मूवी का ट्रेलर दिखा रहे हैं। दोनों के एक्शन देखकर झूम रहे हैं प्रशंसक, अपने अपने वाले को असली हीरो बता रहे हैं। दोनों की स्टंटबाजी को जमकर तवज्जो दे रहा है मीडिया, इसलिए शक हो रहा है कि सब मिलकर कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं। देश में ऐसा क्या हो रहा है जिससे नज़र हटाने के लिए भाजपा और कांग्रेस के नेता एक जैसा माहौल बना रहे हैं, और इनमें क्या है कॉमन कि अधिकतर पत्रकार दोनों को हीरो बना रहे हैं। नमस्कार, मैं समर राज, बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मामले को पूरा समझना है तो मालिक को समझना होगा, और असली मालिक कौन है समझने के लिए छत्तीसगढ़ के जंगलों से आ रही खबरों पर नजर डाल लेते हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के उदयपुर इलाके में कोयला खदान के नाम पर हसदेव के जंगलों की कटाई हो रही है। इस अतिक्रमण का विरोध कर रहे हैं स्थानीय आदिवासी, तो उनको छत्तीसगढ़ पुलिस हिरासत में ले रही है। हालत कितनी खराब है समझने के लिए ये आंकड़ा ही काफी है कि एक इलाके मात्र में 4000 से ज्यादा पुलिस वालों की तैनाती कर दी जा रही है। कटाई की रफ्तार जाननी है तो पहले दिन का 8000 का आंकड़ा काफी है बताने के लिए कि रोजाना हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं। इसके विरोध में आदिवासी एकजुट हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, गीत गा रहे हैं। इन सबके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, मगर अफसोस कि कथित मेन स्ट्रीम मीडिया में ये खास जगह नहीं बना पा रहे हैं। मीडिया में अडानी के खिलाफ खबर चले भी तो कैसे, वो धीरे धीरे चैनलों के मालिक बनते जा रहे हैं। तभी पिछले ही हफ्ते जब जनवादी समाजवादी बने थे राहुल गांधी, सुनिए कैसे NDTV रिपोर्टर की चुटकी ले रहे थे। I believe you have a new owner. You have a new owner. वैसे राहुल गांधी ने नए मालिक वाली बात बड़ी हिम्मत के साथ की होगी। उसी मालिक की जी हुजूरी अब उन्हीं का मुख्यमंत्री कर रहा है, पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी। जिस राज्य में एक तिहाई आबादी आदिवासियों की है, वहां पर आदिवासियों की विरासत पर आरी चला देने की हिम्मत भूपेश बघेल में कहां से आई होगी। जिस उद्योगपति के खिलाफ राहुल गांधी देश भर में माहौल बना रहे हैं, उसी के हाथ का खिलौना बन जाने के पीछे कांग्रेस की क्या मजबूरी रही होगी। मोदी के मित्र अडानी क्या अब इतने पावरफुल हो चुके हैं कि राहुल गांधी की बात उनके ही मुख्यमंत्री ने नहीं सुनी होगी। अगर अडानी इतने ही मजबूत हैं और राहुल गांधी इतने ही कमजोर, तो फिर मान लिया जाए ना कि सत्ता परिवर्तन हो भी गया तो देश की यही दुर्गति होगी। जिस शख्स पर आरोप लगते रहे कि गुजरात के मुख्यमंत्री से साठ गांठ करके कौड़ियों के दाम जमीन ले लिया, उसी शख्स को छत्तीसगढ़ के जंगल सौंप दिए जा रहे हैं। जिस उद्योगपति पर आरोप लगते रहे कि पर्यावरण को पूरी तरह से तहस नहस कर दे रहा है, उसी अडानी के जरिए हाथियों के वन उपवन को उजाड़ा जा रहा है। जिस क्रोनिक कैपिटलिस्ट पर आरोप है कि लाखों करोड़ का लोन लेकर भी मोदी सरकार का फेवरेट बना हुआ है, उसी के लिए छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का दमन किया जा रहा है। जिस पर कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि अमीरी और गरीबी के बीच खाई बढ़ाया है इसने, उसी के साथ साठ गांठ करके गरीब आदिवासियों को चुप कराया जा रहा है। खैर, ये आदिवासी हैं, वन उपवन जंगल के निवासी हैं, अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, आखिर दम तक विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। मगर जो जनवादी होने का दावा कर रहे हैं, गरीबों शोषितों वंचितों के हितैषी बन रहे हैं, उनकी भूमिका अब संदिग्ध देखी जा रही है। अगर 21वीं सदी के शुरुआती दो दशक में देश की पूंजी बाजार के मालिक रहे हैं अंबानी, तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि 2022 तक वो जगह अडानी ले चुके हैं। अडानी के आगे नतमस्तक कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार क्या इस बात की स्वीकृति दे रही है कि देश भर में सरकार आ भी जाएगी तो हम भी वही करेंगे जो आज नरेंद्र मोदी कर रहे हैं।